नमस्कार। स्ट्रेस आज के टाइम में स्ट्रेस इतना बढ़ गया ना, हर जिसको देखो उसको स्ट्रेस लेता रहता है। बस दिमाग में चिंता, टेंशन ही टेंशन। आखिर स्ट्रेस फ्री रहे तो कैसे रहे? आज के प्रेजेंट टाइम की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हर इंसान स्ट्रेस लेने लग गया, और वही स्ट्रेस फिर एंजाइटी में तब्दील होता है, और क्या होता है, बीपी, शुगर और हार्ट जैसी बीमारियां इंसान अपने ऊपर ले लेता है। कैसे? स्ट्रेस से। अब बहुत से कहते हैं सर स्ट्रेस तो आज के जमाने में रहता ही है, आप कुछ भी कर लो। बच्चों का स्ट्रेस, नौकरी का स्ट्रेस, बिजनेस का स्ट्रेस, हर तरह से तनाव तनाव रहता है, क्या करें? तनाव तो रहेगा, लेकिन आप उस तनाव को इजीली रिमूव कर सकते हो। कुछ नहीं, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो। सबसे पहले तो अपने आप से संबंध मजबूत बनाओ। जब आपको कुछ स्ट्रेस फ्री होना है ना, तो अपने नजदीकी जिसके साथ आप अच्छा फील करो उसके साथ समय बिताओ। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे हुआ, 120 देशों में 1,00,000 लोगों के बीच में क्वेश्चन पूछा गया कि आप में जब आप स्ट्रेस होता है तब आप अपना स्ट्रेस कैसे रिमूव करते हो। तो बहुत से जने क्या कहते हैं, हमारा अपना कोई नज़दीकी मित्र होता है, कोई अच्छा फ्रेंड होता है, उसके साथ बैठकर उससे बात करते हैं और उसके साथ थोड़ा सा समय बिताते तो स्ट्रेस फ्री होते हैं। बिल्कुल राइट बात। आपने भी देखा होगा, जब कभी आप तनाव में होते हो, जब कभी आप टेंशन में होते हो, तो अब आप क्या करते हो, अपने करीबी से बात करते हो, अपने करीबी के पास में 10 मिनट बैठते हो, तो आप रिलैक्स महसूस करते हो, नहीं करते हो? जब भी स्ट्रेस हो, जब भी तनाव हो, जब भी माइंड में आपका एंजाइटी आए, तो अपने खास जिसको आप लगता है कि यार उसके साथ में बैठकर मैं अपना तनाव दूर कर सकता हूं, मैं अपनी चिंता, मैं अपनी टेंशन उसको बता सकता हूं, वो मुझे रिलैक्स करेगा। तो बिल्कुल अपने आपसी संबंध मजबूत बनाए, और जब भी स्ट्रेस हो तो अपने दोस्त के साथ, रिलेटिव के साथ, या आप किसी के साथ में बैठ सकते हैं और आप अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हो। सेल्फ केयर, कभी कभी सेल्फ के लिए ही समय निकालिए। संगीत सुनना, मूवी देखना, खेलना, आपको क्या चीज करने से अच्छा लगता है, रिलैक्स महसूस होता है, वो करिए। कहते हैं ना कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर। इंसान सेल्फ केयर करना भूल गया है, इंसान अपनी रुचि के कार्य करने भूल गया। कैसे? क्योंकि उसके पास समय नहीं होता है। घर, परिवार, बिजनेस, नौकरी की बातों से खुद के लिए समय निकालना छोड़ चुका है इंसान, तो टेंशन आएगा, एंजाइटी आएगी दिमाग में। तो आपको क्या करना है, सेल्फ केयर, अपने लिए थोड़ा समय निकालना, और समय उस हॉबी के लिए निकालना जिसको आप कर थोड़ा शांत महसूस करें, थोड़ा रिलैक्स महसूस करें, तो सेल्फ केयर रखना अपने। शुक्रिया कहें, शुक्रिया कहना भी बहुत जरूरी है। भगवान को शुक्रिया कहें, ये कहें भगवान को कि भगवान ने आपको इतना अच्छा बनाया है। आप दूसरे लोगों को देखोगे तो वो कितने आपसे नीचे हैं, आप उनको मत देखना जो आपसे ऊपर हैं, आप उनको देखना जो आपसे नीचे हैं। तो भगवान को शुक्रिया कहना कि भगवान मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं कि उनके पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास हो। तो शुक्रिया कहना जरूर करें भगवान को। अनावश्यक चिंता, अनावश्यक टेंशन छोड़ दें। बहुत से लोग क्या करते हैं, फ्यूचर की टेंशन लेते हैं, अरे यार मेरा भविष्य में क्या होगा, ये काम नहीं होगा, अभी प्रेजेंट में जिए। जो व्यक्ति अपना प्रेजेंट, अपना वर्तमान सुधार लेता है ना, उसका भूत भविष्य दोनों सही होता। फ्यूचर की टेंशन अभी प्रेजेंट टाइम में ना करें, हाँ प्लानिंग बनाए, उस प्लानिंग के अनुसार काम करें, लेकिन जब रिजल्ट आए नहीं तो पहले क्यों टेंशन लेना। रिजल्ट से पहले जी जान से मेहनत करें, अपने कर्म पर ध्यान दे, रिजल्ट आपके अनुरूप होगा। अतीत को लेकर रोना ना रोए। अधिकतर लोग स्ट्रेस और तनाव कैसे ले लेते हैं, अतीत की बातों पर, और यार मैं अगर ये गलती नहीं करता तो क्या होता, यार मैंने ऐसा काम क्यों किया, मैंने पास्ट में टाइम की बर्बादी क्यों की, मैंने पास्ट में पैसों की बर्बादी क्यों की। जो हो गया सो हो गया, उसे अपने माइंड से रिमूव करिए और अभी वर्तमान में बात करिए कि हाँ मुझे वर्तमान में क्या करना है, हाँ मुझे वर्तमान में कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। अतीत का रोना रोना बंद कर दे, कि जब तक आप अतीत का रोना रोते हुए बंद नहीं करोगे ना, तब तक आपके मन को मानसिक शांति नहीं मिलेगी, तब तक आपके माइंड में अतीत की बातें घूमती रहेगी और आपको टेंशन पैदा करती रहेगी, आपको मानसिक तनाव पैदा करती रहेगी।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे आप रिलैक्स हो सकते हो।